आप सबका आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज की रेसिपी है कंडेंस मिल्क की रेसिपी, जो कि अगर आप मार्केट से लें तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन घर में आप ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से बहुत इजीली बना सकते हैं और इसको आप काफ़ी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, स्वीट डिशेस में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इजीली बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक का पैन लिया है, कोशिश करें आपने नॉनस्टिक ही लेना है। उसमें मैंने ऐड किया 2 कप मिल्क और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप शुगर। ये 2 कप जो मैंने मिल्क लिया है, जिस कप से मैंने शुगर की मेजरमेंट की है उसी वही कप मैंने 2 कप मिल्क लिया है। बस ये 2 चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब आपने इसको लो फ्लेम पे रख देना है और जब तक इस दूध को बॉयल ना आ जाए तो बस आपने स्पून चलाते रहना है। और ये देखिए इसको बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर आपने 2 काम करने हैं, दोनों में से कोई एक प्रोसीजर आपने यूज़ करना है। अगर आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप स्पून चलाते जाएं जब तक कि ये थिक ना हो जाए। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते और आपके पास टाइम है तो आप इसको फिर मीडियम टू हाई फ्लेम पे पास ही खड़े होके और साथ साथ आप स्पून चलाते रहें और इसको थिक करते रहें। तो बस मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इसको बनाया है इस तरह से। ये देखिए मैं पास ही खड़ी रही और मैंने साथ साथ स्पून इसके चलाती गई हूँ तो ये थिक होता गया। ये देखिए यहाँ पर हमारा कंडेंस मिल्क बनना स्टार्ट हो गया है और बस अब आपने थोड़ा सा इसको और थिक करना है, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से हो जाए। उसके बाद आपने इसका फ्लेम फिर ऑफ कर देना है क्योंकि ये थोड़ी देर बाद खुद ही थिक होता जाएगा। ये देखिए बस इस जब इस तरह से टेक्सचर इसका आ गया था तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। और फिर उसके बाद आपने इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में, एयर टाइट जार में इसको डाल के और फ्रिज में रख देना है। आप इसको 2-3 वीक तक आप यूज़ कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं फ्रिज में। और जब आप इसको अगर ये थिक लगे तो आप इसको माइक्रोवेव ओवन कर लें। मुझे दुआ में याद रखिएगा।